नमस्कार मित्रों, मैं दीपक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद दीपक सर। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक समय से पहुँच जाएँ। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ। UPSI एग्जामिनेशन बोर्ड ने क्या फैसला किया। शनिवार को फैसला आना था और इस फैसले में इस बात की पुष्टि होनी थी कि क्या तारीख डिसाइड की जाएगी UPSI एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, बोर्ड ने अभी पूरी तरह से इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन लगभग 80% इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि आप लोगों के एग्ज़ाम 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, 15 अक्टूबर 2017 से UPSI की परीक्षाएं फिर से प्रारंभ हो जाएंगी और ये परीक्षाएं लगभग 30 अक्टूबर के आसपास ख़त्म होंगी। तो 15 दिनों की ये परीक्षा होगी UPSI की। दोस्तों, आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, आपके पास अभी 2 महीने का अच्छा समय है, 2 महीने में इस एग्ज़ाम की तैयारी की जा सकती है। तो दोस्तों, फिर से उसी सब्जेक्ट पर फोकस करने की ज़रूरत है, वही हिंदी पढ़नी है, वही रीजनिंग पढ़नी है, वही मैथ पढ़नी है और वही मूल विधि पढ़नी है। तो दोस्तों, आइए बताते हैं हम आपको कि किस सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, हिंदी नॉर्मल आनी है, लोग कर ले जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं रीजनिंग पर, रीजनिंग भी अच्छी खासी आती है, लोग ये भी कर ले जाते हैं। मैथ भी अच्छी खासी आती है, 80% लोग मैथ भी कर ले जाते हैं। लेकिन बात करते हैं GS की। GS एक बहुत बड़ा पार्ट होता है दोस्तों, इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें क्वेश्चन अलग अलग विभागों से आते हैं। पहला हो गया भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिजिक्स से पूछा जाता है, केमिस्ट्री से पूछा जाता है, बायो से पूछा जाता है और क्या कहते हैं मूल विधि यानी धाराओं से पूछा जाता है। तो दोस्तों, आपको ज़रूरत है सबसे ज़्यादा फोकस इसी विषय पर करने की और इस विषय पर फोकस करेंगे आप तो आपके नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे और मेरिट में आपका नाम सबसे ऊपर होगा। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा फोकस करिए आप GS पर क्योंकि GS का पार्ट ही आपके नंबर को सबसे ऊपर ले जाएगा। तो इसके लिए आपको तैयार करना है मूल विधि, यहाँ पर सभी धाराओं का अध्ययन करना होगा आपको और भारतीय संविधान को प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ लें क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर आने हैं। तो इस तो आशा करते हैं दोस्तों, आप अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से पेपर देंगे और अच्छे नंबर लाकर पास हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो को शेयर भी करें।